माई नेम इज़मान चीमा वेलकम बैकर वीडियो ऑफ लाहौर स्मार्ट सिटी आज के इस वीडियो को लाहौर में सेंट्रल बल्वर्ड और बजनेस एवन्यू जिसका लाहौर स्मार्ट सिटी का सारा दारोदार जिस रोड पर होगा उसके वाले से एक्सप्लेन करूँगा प्लस उसके नेबरहुड में जो चीज़ें लॉन्च होंगी फ्यूचर में इनशाला उसके वाले से बताऊंगा प्रीवियसली अभी दो ब्लॉक्स ऐसे हैं ओवरसीज़ प्राइम के सेक्टर ए और सेक्टर बी जिनका पोजिशन हैंड ओवर किया गया है जहाँ पर रेजिडेंशियल प्लाट्स भी हैं कमर्शल प्लाट्स भी हैं रेजिडेंशियल प्लाट पाँच मल्ला से लेकर एक किनाल और अगर कमर्शल प्लाट्स की बात करें चार मल्ला और आठ मल्ला के कमर्शियल प्लाट्स वहाँ वाकई हैं ये जो एरिया आपको प्रेमिस नज़र आ रही है सारी की सारी हाई राइज कमर्शियल के लिए प्लस जो साढ़े तीन सौ फुट का मेन बुलेवर्ड है जो कर कनेक्ट करेगा जाके लाहौर ईस्टर्न बाईपास को जिसके ऊपर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम प्लस जो रिंग रोड ईस्टर्न बाईपास की टीम है वो आकर विजिट करके जाके टेंटेटिव जो इंटरचेंज की लोकेशन है वो भी दे चुकी है कि यहाँ पर टेंटेटिव इंटरचेंज कंस्ट्रक्ट होगा लाहौर स्मार्ट सिटी का इस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर राइट और लेफ्ट साइड पर सिर्फ हाई राइज कमर्शियल प्लाट्स होंगे और कमर्शियल प्लाट के साथ साथ यहाँ पे प्रॉपरली जोन्स बनाए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे जहाँ पे आपका टेक डिस्ट्रिक्ट होगा जिसमें आपका फाइनेंशियल स्क्वेयर होगा फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट होगा और इसके अलावा आपका कमर्शियल के लिए यूज कमर्शियल जिसमें आपकी कमर्शियल ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर कमर्शियल परपज के लिए मिक्स यूज कमर्शियल में और ऊपर वाले जो फ्लोर होंगे से ग्राउंड प्लस की बिल्डिंग है उन उन, उन आ, फ्लोर्स पे आपके अपार्टमेंट होंगे वो प्लॉट्स भी लोकेट करेंगे और यही रोड जाके आगे ओवरसीज प्राइम को भी कनेक्ट करता है जिसमें ए और बी ब्लॉक बैलेट हो चुका है अब इन जनरल बात करते हैं कि इन इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा लाहौर स्मार्ट सिटी की ओवरऑल मार्केट में फ्यूचर में जाके देखें मैं अक्सर वीडियो में एक चीज़ का जिक्र करता हूँ कि लाहौर स्मार्ट सिटी की जो लोकेशन है वो ऐसी जगह पर लोकेटेड है कि जहाँ पे सारी की सारी जो नेबरहुड है वो बहुत ईजीली कनेक्ट करती है यानी पाकिस्तान के अगर पाँच अमीर तरीन शहर देखे जाएँ उनमें से चार शहरों की कनेक्टिविटी जो है लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट को मिलती है इतनी प्राइम लोकेशन है यानी एक ही साइट पे आपको नेशनल हाईवे 45 यानी जिटी रोड एक ही साइड पे आपको लाहौर ईस्टर्न बाईपास एक ही साइड पे आपको एम इलेवन लाहौर सालकोट मोटरवे ये भी मिलती है और सबसे बड़ी बात कि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे हार्डली को तीन चार किलोमीटर के डिस्टेंस पे है यानी वहाँ से भी डायरेक्ट एक्सेस बनती है जहाँ तक शहरों की बात है तो लाहौर जो बेसिकली हब है एक सेंटर डाउनटाउन सिटी है इस्लामाबाद पाकिस्तान का यानी कि डाउनटाउन सिटी वो होता है जो पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ तो लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है ऑफिशियल नंबर्स के मुताबिक लाहौर की पॉपुलेशन इस वक्त वो वन करोड़ है आज की डेट में और ये नंबर्स बिल्कुल कभी सही नहीं हुए ना इलेक्शन के दिनों में इसकी सेंसर सही होते हैं सेंसर सही होता है मरदमशुमारी ना रूटीन में कभी नंबर सही होते हैं एवरेज पॉपुलेशन लाहौर की एक करोड़ अस्सी लाख रुपए किया एक करोड़ अस्सी लाख के आसपास है रुपये मैंने गलती से बोल दिया तो ये लाहौर की जो टोटल आबादी बनती है तो उसके लिए सबसे ज्यादा इजी और फिजिबिलिटी बनती है इस लिहाज से फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है ऑफिशियल नंबर आबादी के एक करोड़ अट्ठतीस अच्छा लाख लोग और इसके अलावा आपका गुजराव वाला और सियालकोट चौथा और पांचवा बड़ा शहर है जिसकी लाहौर स्मार्ट एक्सेस मिलती है तो ये जब शहर आके इनकी आबादी जब यहाँ बैठा अटैच जो लाहौर में किसी भी बंदे ने कोई बंदा रेगुलर है कोई जॉब करता है लाहौर में या लाहौर के नेबरहुड में वो सबसे पहली प्रायोरिटी पर अपनी फैमिली को मूव करना वहाँ पर प्रेफर करता है क्योंकि लाहौर से अच्छी जो आपको फैसिलिटीज़ हैं दूसरे शहर में नहीं मिल सकती Keeping in mind कि अगर आपका इस जगह पर सोसायटी की तरफ से प्रॉपरली आपको डेवलपमेंट भी नजर आती है लेके अगर आप देखते हैं कि आपको फिजिकली साइट पे मैसेव चेंजेस नजर आते हैं यानी कि मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी कि अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी के साइड पर मिनिमम अगर आप 20 से 25 मिनट्स गाड़ी को अच्छी स्पीड पर घुमाते रहे तो साइट अभी खत्म नहीं होती तकरीबन तकन दस से 15000 हजार कनाल का एरिया बनता है और खाली साइड पे यानी आपको सिर्फ एक सौ अस्सी फुट का रोड मिलेगा और आपने गाड़ी स्पीड से 120 110 की स्पीड से दौड़ानी है तो 25 मिनट आप साइड पर घूम सकते हैं इतनी बड़ी साइट आज की डेट में डेवलप हो चुकी है और ये सवा साल का टाइम है क्योंकि लाहौर स्मार्ट पहले कैपिटल स्मार्ट लॉन्च हुआ था वहां पर जो लैंड ट्रेन थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी यानी पहाड़ी इलाके की लैंड ट्रेन थी जिसे आमतौर तौर पर कहते हैं खिताए कोसार कह लें या आप मार्गला कह लें कुछ भी कह लें उस एरिए में ज़्यादातर कट फिल वाला काम था लॉर्स मार्टिचा के सारी लैंड जो है वो इवन लैंड थी ज़मीन बिल्कुल क्लियर थी तो इस लैंड पे ऊपर से सड़कों का नेटवर्क बिछाने के लिए आपको ज़्यादा जो है मैन पावर नहीं चाहिए होती या ज्यादा टाइम नहीं रिक्वायर्ड होता तो ये रीज़न है कि लाहौर समार्टी की साइट इतनी तेजी से डेवलप हुई है अभी ये वीडियो तकरीबन तो नौ मिनट किया है और नौ मिनट में सिर्फ और सिर्फ आप इसकी मेन बुलेवर्ड्स देखेंगे कि मेन बुलेवर्ट जहाँ तक बन चुकी हैं यानी नौ मिनट आपकी साइड में से ड्रोन घूमता रहे और आपको बुलेवर्ड्स दिखाता रहे उस हद तक लाहौर स्मार्टी की ये सिर्फ मेन बुलेवर्ड है मैं याद रहे इसमें मैं सेक्टर ए सेक्टर बी और उसके एडजस्टेंट जो मेन बुलेवर्ड्स है वो उसको मैं इसमें काउंट नहीं कर रहा यानी जो बाकी ऑलरेडी जिस बुलेवर्ड्स तक या जिस पॉइंट तक आमतौर पर जनरल एक्सेस मेंबर्स की डीलर्स की सेल्स पार्टनर की पॉसिबल है मैं उस पॉइंट को भी काउंट नहीं कर रहा तो आपके पास ये जो एरिया नज़र आता है ये सारा का सारा वो एरिया है जो भी ऑफिशियली मैप भी डिक्लेयर नहीं हुआ यानी कि जिसका मैप नहीं मिल सकता आपको क्योंकि मैप लॉन्च नहीं हुआ तो ये आपका सेंट्रल बेस्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सिलिकॉन वैली या बिजनेस पार्क उसके अलावा बिजनेस टैम जो मेन रोड है जो कारपेटिंग हो चुकी है फुटपाथ बन चुकी हैं सिवरेज काम हो कम हो चुका है स्ट्रीट लाइट लग चुकी हैं यह है, है लाहौर स्मार्ट सिटी आपके लिए पंद्रह महीने के टाइम फ्रेम में तो इमेजिन करेंगे अगर पंद्रह महीने के टाइम फ्रेम में एचरल जैसी कंपनी लाहौर स्मार्ट सिटी के साथ ये कर सकती है तो आने वाले तीन से चार सालों में लाहौर स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट कहाँ जाकर स्टैंड करेगी तो द न्यू सेंटर ऑफ लाहौर कुड बी लाहौर स्मार्ट सिटी क्योंकि इस लोकेशन पे आपको पांच वीडियो के स्टार्ट में बात की थी पांच अमीर तीन शहरों में से चार जो शहर हैं वो आकर डायरेक्टली इसी शहर को लगते हैं लाहौर को इसी पॉइंट से कराची जो है वो दूर है इस्लामाबाद कैपिटल है वो दूर है बाकी जितने आबादी है जीटी टी रोड की आबादी सारी लाहौर का दरवाज़ा बनता ही है तो अगर लाहौर स्मार्टी लाहौर का दरवाज़ा बनता है तो, तो इमेजिन करें फ्यूचर में जा कर यहाँ पर कितने ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि लाहौर एक छोटा शहर है और छोटा शहर कर सॉरी एक आबादी है ज़मीन जिसमें कम है तो ज़मीन कम होने के साथ साथ यहाँ पर लोगों की उतनी ज़्यादा वो इनफ्लो जो है यानी ह्यूमन कैपिटल का जो इनफ्लो है लोगों का इनफ्लो लाहौर स्मार्टी की तरफ या लाहौर शहर की तरफ ज़्यादा है तो आपको फिज़िकली लाहौर के अंदर जो है वो हमेशा डिमांड ही नज़र आती है तो ये रीज़न है कि वो लाहौर स्मार्टी के अंदर हर एक चीज़ जो है वो प्रॉफिट पर नज़र आती है लाहौर स्मार्टी के प्रीमेस में आपको कोई भी चीज़ जो है वो लॉस में नज़र नहीं आती आप रेजिडेंशल प्रोडक्ट कंसिडर कर लें कमर्शल प्रोडक्ट कंसिडर कर लें किसी भी चीज़ को तो आपको यह हर चीज़ यहाँ पर इसी तरह से नजर आती है कि अच्छे से अच्छे प्रॉफिट में यानी लोगों ने लट से जी अपनी प्रिंसिपल अमाउंट में रेजिडेंशियलियलिय प्लॉट कंपेयर करूं तो किसी ने 18 लाख ,00 रुपए वाली फाइल बाय की और उसने सिर्फ तीन लाख साठ हज़ार रुपये डाउन पेमेंट जमा करवाई तो उस पर बारह बारह तेरह तेरह ,00 लाख ओन भी हासिल किया यानी कि चार सौ गुना यानी फोर हंड्रेड टाइम्स अगर आप बात करें चार सौ परसेंट सॉरी चार गुना ओन हासिल किया चार सौ परसेंट अगर कमर्शियल की बात करें तो किसी ने लट से जी एग्जैक्टिव ब्लॉक का चार माला कमर्शियल बाय किया एट पॉइंट नाइन फाइव करोड़ का तो अब सॉरी एटी नाइन पॉइंट फाइव ज़ीरो पॉइंट एट नाइन फाइव करोड तो इस नंबर में किसने बाय किया तो उस पर जो ओन है वो चालीस से पैंतालीस लाख के दरियान है तो उस पर इन्वेस्टमेंट जो है तकरीबन चार गुना पाँच गुना छः गुना हुई तो ये रिटर्न आपको लाहौर स्मार्ट ने कितने टाइम में दी है पंद्रह माह के टाइम में जिसका मुंह बोलता सबूत लाहौर स्मार्ट की डेवलपमेंट जो फिज़िकली आप इस पूरी वीडियो में देख भी रहे हैं मैंने इस पूरी वीडियो में आपको पूरी ड्रोन फुटेज में आपको ऐसी चीज़ शामिल नहीं की जो एग्जिस्ट ना करती हो सिर्फ मैंने बातों की बेस पर मैं एक एजम्शन लगा रहा हूँ कि ऐसा हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है फिजिकली जब आप चीज़ विटनेस कर सकते हैं वो विटनेस चीज़ दिखा रहा हूँ कि लाहौर स्मार्टी के अंदर पंद्रह महीने में ये सब कुछ हो चुका है तो इमेजिन करें कि अगले जो होंगे तीन से चार साल वहाँ पे यहाँ पे क्या क्या कुछ होगा सो व्यूअर्स दिस वाज इट फ्रो टुडे अगर आपको लाहौर स्मार्ट या कैपिटल स्मार्ट सिटी में बुकिंग के बारे में कुछ मालूम चाहिए हो तो एक नंबर पर रबा करें इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू 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 डॉट मकान सोलूशन डॉट कॉम अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़